अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीवी। दोस्तों मैं अपने चैनल स्पोर्ट्स टीवी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक हमारा अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के हवाले से है। पीसीबी का अहम फैसला आ गया। यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों अफगानिस्तान प्रीमियर लीग पीसीबी का अहम फैसला क्या आया है इसके हवाले से हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे नए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बरए मेहरबानी हमारे नए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसका लिंक हमारे पुराने स्पोर्ट्स टीवी चैनल में के होम पेज पे आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हाल ही में एक जाब्ता बनाया गया है जिसके मुताबिक मुबीना तौर पर रिटायर्ड क्रिकेटर्स ही अफगानिस्तान प्रीमियर लीग खेल सकते हैं। दोस्तों ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग से मुतलिक अपने फ़ैसले से खिलाड़ियों को आगाह कर दिया है। पीसीबी के फैसले से वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ, इफ्तार अहमद इस लीग से आउट हो गए हैं। इसी तरह सुहेल तनवीर, कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज़ भी पीसीबी के फैसले के बाद ये लीग नहीं खेल सकेंगे। दोस्तों रिटायर्ड क्रिकेटर्स में सिर्फ शाहिद अफरीदी का लीग से मुआहदा है। याद रहे कि अफगान प्रीमियर लीग 5 अक्टूबर से शुरू होगी। इससे पहले भी पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी ने भी ऐलान किया था कि वो खिलाड़ियों पर क्रिकेट का बोझ कम करने के लिए हम इकदाम करेंगे। उन्होंने भी प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा सिर्फ एक बैरूनी मुल्क लीग खेलने तक महदूद कर दिया था, जिस पर खिलाड़ियों की तरफ से एतराज़ात भी उठाए गए थे। तो दोस्तों मेरे अंदाजे से ये अच्छी बात नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को अफगान प्रीमियर लीग में ना खेलने के लिए, यानी कि इजाज़त ना देना। आई थिंक मेरे अंदाज़े से ये ठीक नहीं है। और दोस्तों ये थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। इस वीडियो के हवाले से और इस फैसले के हवाले से आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। खुदा हाफिज़।